लूँगी। दोस्तों आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे तो आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे, क्योंकि ज़रा सा भी ढीलापन या गीला होगा तो कोफ्ते अच्छे से बाइंड नहीं होंगे, गीले हो जाएंगे जो फट सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार और स्क्वीज़ करूँगी क्योंकि इससे कोफ्ते और अच्छे बनेंगे हमारे। तो इसे मैं दूसरी बार एक बार और स्क्वीज़ करने जा रही हूँ। ये फाइनल एक बार और कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि आप एक बार भी कर सकते हैं, बट तीसरी बार करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दी है चॉप करके, फाइनली चॉप प्याज आपको डालनी है इसमें, हरा धनिया और हमारी मिर्च भी इसमें ऐड होगी, अदरक। आप अदरक को पीस भी सकते हैं या ग्रेट भी कर सकते हैं। ये हमारा जीरा कुटा हुआ और गोल मिर्च, यहाँ थोड़े गरम मसाले भी मैंने ऐड किए हैं और लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हमने यहाँ पे धनिया और हल्दी भी मिक्स कर दिए। अब मैं यहाँ पे पहले 4 चम्मच बेसन को मिलाऊंगी और अगर फिर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और मिला दूंगी इसमें। अभी भी ये बहुत अच्छे से अभी बाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और मिलाऊंगी। मैं एक बार आप इस तरीके से चेक कर लें कि आपका बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप 2 चम्मच और मिलाएंगे तो आपका अच्छे से बाइंड हो जाएगा, कोफ्ते आपके और अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से बाइंड भी होंगे। अब हल्के हाथ से इसको आप बना लें गोले। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके ये दूसरा कोफ्ता बना रही हूँ। दोस्तों आपको स्क्वीज आउट अच्छे से करना पड़ेगा लौकी को, तभी आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे और अच्छे बाइंड होंगे। ये मैंने यहाँ पे सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैंने गैस पे रख दिया है अपने बर्तन को और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है और अब मैं इसमें अपने कोफ्तों को तलूंगी। मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि, क्योंकि अब तेल जो है हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और कोफ्ते हमारे जले नहीं और अंदर तक पक जाए, इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो करके मैं इन्हें पकाऊंगी नीली फ्लेम पर। दोस्तों आपको बार बार हर तरफ से पलट के बनाना है, बार बार पलटते रहना है कोफ्ते को कि आपका कोफ्ता जले नहीं।
Never put no one above ya. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million. दोस्तों आपको इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर मेरा कोफ्ता ज़रा सा भी गीला होता तो वो फटने लगता। लेकिन इसमें बेसन और सारी चीज़ें सही से आपको मिलानी है, सही मात्रा में, जिससे कि कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो और अच्छे से तल जाएं। यहाँ पे मैंने तल लिए हैं अपने कोफ्तों को। और अब मैंने यहाँ पे तेल को गरम करके उसमें ज़ीरा डाल दिया है और प्याज डालना है। इसके बाद आपको ये ग्रेवी के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि अब कोफ्ते तो हम तल के वन साइड रख चुके हैं। अब हम यहाँ पे ग्रेवी बनाएंगे। तो पहले ज़ीरा डाला है और उसके बाद प्याज डाला है। अब मैं यहाँ पे टमाटो की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ये भुन जाए उसके बाद मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और फिर मैं इसे एक मिनट दो मिनट चलाने के बाद इसमें नमक डालूँगी, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। धनिया, हल्दी, ये सब हाफ टेबल स्पून आपको डालना है और लाल मिर्च। अच्छे से चलाएं और थोड़ा भुनने के लिए टमाटर और सारे इंग्रेडिएंट्स को पकने के लिए हम छोड़ देंगे मध्यम आंच पे। आप इसे ढक के भी पका सकती हैं तो और जल्दी होगा। अब यहाँ पे ऑयल जो है सेपरेट हो गया है टमाटर से, तो यहाँ पे हम थोड़ा पानी डाल देंगे। मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ये पास अमचूर नहीं था, तो आप सादा अमचूर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे खटाई डाल दी है। हमारा मसाला यहाँ पे भुन गया है। तो अब हम यहाँ पे अपने कोफ्ते जो हैं इन मसालों में डाल देंगे। और इस ग्रेवी को मैं कोफ्तों के साथ मिक्स करूँगी, ताकि ग्रेवी को जो है कोफ्ते अच्छे से अपने अंदर एब्जर्व कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा तीखापन और लाने के लिए हरी मिर्च डाली है ऊपर से। ये मैं गरम मसाला डालूँगी और थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करूँगी। Baby, long as you're not with me, you'll always be alone.
मसालों को ऐसे ही थोड़ा पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में आप थोड़ा मीडियम लो करते रहें फ्लेम को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाए और कोफ्ते जो है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। और यहाँ पे फाइनल मैंने पानी लगा दिया है और थोड़ा जायफल मैंने ग्रेट करके डाल दिया है ऊपर से, जिससे खुशबू अच्छी आती है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। आपको धीमी आंच पे इसी तरीके से पकाना है। यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट फाइनल ग्रेवी आपको जितनी भी पतली बनानी है उतना पानी डाल के आपको 5-6 मिनट पकाना है और उसके बाद आपके कोफ्ते रेडी हैं। और अब मैं इसे सर्व करूँगी। सर्विंग बाउल में मैं निकाल रही हूँ उसको। के कोफ्ते बनके तैयार हैं। लौकी के कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं और खाने में बहुत ही जायकेदार और टेस्टी हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।